News 18, India. लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर सकती है मार्च के पहले हफ्ते में, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है। अगले 2 से 3 हफ्ते में तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज ये मिल रही है कि बीजेपी की लिस्ट मार्च के पहले हफ्ते में आ सकती है, क्योंकि हमने देखा कि पीएम मोदी ने सांसदों को निर्देश भी दिया, मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो अपने 5 साल का रोड मैप जनता को बताएं और उनका 100 दिनों का एक्शन प्लान क्या है ये भी बताएं। इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी पहली लिस्ट मार्च के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है। इसमें किसको जगह मिलती है ये देखना होगा, लेकिन जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था कि कौन मंत्री रिपीट होगा या नहीं, लेकिन जो रोड मैप क्या रहने वाला है अगले 5 साल का और 100 दिन का क्या एक्शन प्लान रहने वाला है, इसकी रिपोर्ट सौंपनी है। तो हर सांसद, कार्यकर्ता, मंत्री काम पर लगे हुए हैं और जैसा कि पीएम मोदी ने नारा दिया है इस बार की बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार, ये पीएम मोदी ने नारा दिया है और इसी को लेकर के पार्टी काम कर रही है। इस बीच बीजेपी की पहली लिस्ट मार्च के पहले हफ्ते में आ सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। यतेंद्र, मार्च के पहले हफ्ते में लिस्ट आ सकती है और क्या जानकारी इस लिस्ट को लेकर? देखिए, बिल्कुल, बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों को लेकर अपनी पहली लिस्ट मार्च के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार बड़े स्तर पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। और जो और करीब 1-1.5 साल पहले से वो सीटें जो 2014 और 2019 में बीजेपी हार गई थी, और क्या ऐसी सीटें जो बीजेपी के खाते में कभी नहीं आई, ऐसी 161 लोकसभा चुनाव की उन्होंने लिस्ट बनाई थी। इसके लिए उन्होंने प्रभारी क्लस्टर वाइज उन्होंने तय किए थे बीजेपी ने, और लगातार उनकी मीटिंग, उनका मंथन चल रहा था। और अब लगभग जो जानकारी आ रही है कि पहले 80 से 100 प्रत्याशियों की सूची, ऐसी सूची जो 2014-2019 में बीजेपी हार चुकी थी, ऐसे लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। इसमें तमिलनाडु, केरल, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के प्रत्याशी शामिल होंगे, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। और पहली सूची इस वजह से ऐसी लोकसभा सीटों की जो हारी हुई है उन पर जारी कर दी, क्योंकि वहां के कैंडिडेट को ज्यादा समय तैयारियों के लिए मिलेगा। हालांकि मोदी सरकार कॉन्फिडेंट है कि जिस तरह से उन्होंने काम किए आम जनमानस के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, तो उससे बीजेपी को लगता है कि उनकी तैयारी पूरी है, उन्होंने जनमानस का समर्थन भरपूर मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही प्रत्याशियों को भी मौका मिले, इस वजह से पहले इन सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है बीजेपी। जी बिल्कुल यतेंद्र, अहम जानकारी देते हुए कि जो पहली सूची आएगी, जो सीटें हारी थी 2014-19 के चुनाव में, उन सीटों पर पहले उम्मीदवार उतारे जाएंगे। ये खास रणनीति के तहत हो रहा है ताकि उन उम्मीदवारों को ज्यादा समय मिले जनता तक अपनी बात पहुंचाने का। दूसरी अहम बात यह कि जो 100 उम्मीदवारों की ये लिस्ट आएगी, कई राज्यों को लेकर के इसमें लिस्ट आएगी, लेकिन खास रणनीति के तहत ये हो रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार, बीजेपी इसको लेकर के आश्वस्त तो है, लेकिन जो नारा दिया है 400 पार, इसी के तहत बीजेपी आगे बढ़ती हुई और पहली लिस्ट मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी की आएगी।